ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये साहिब महल, ये जो मीर हाजी खुदा बख्श ने बनवाया था, 1935 से इसका काम चला था और 1947 में ये बन के रास हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मैं इमैनुअल गुड्डू गुड्डू पाकिस्तानी आपका भाई। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमेशा मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते रहेंगे, क्योंकि सिंध के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। तो आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बदीन में, और यहाँ पर मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत महल जिसका नाम है साहिब महल। तो आइए आपको इसका अंदर का नज़ारा करवाता हूँ। कहा जाता है कि मीर साहब ने ताजमहल से इंस्पायर होकर अपनी बेगम के नाम पर यह महल बनवाया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान अली, मैं यहीं रहता हूँ खडारो में। इस शहर का नाम खडारो है, तहसील तलार है और ज़िला बदीन। साहिब महल ये जो मीर हाजी खुदा बख्श ने बनवाया था, 1935 से इसका काम चला था और 1947 में ये बन के रास हुआ था। और इसका जो मटेरियल है ये बहुत दूर से आया था, ये ट्रेन में आता था, फिर वो जो तहसील है, तहसील तलार है, वहाँ उतरता था, फिर ट्रेन से वहाँ से जो बैलगाड़ी थी वो लेके आते थे, मीर के जो बंदे थे वो लेके आते थे। और इसमें बहुत खूबसूरत काम है, लकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का काम हुआ है, और शीशा भी ओरिजिनल है, शीशे का भी बहुत ज़्यादा काम है, और टाइल लगे हुए हैं वो बहुत खूबसूरत है, पुराने टाइल है, अभी भी उनकी वही रौनक है जो पहले थी। यहाँ देखिए एक बहुत सारी बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई जिसके ऊपर तराजू बने हुए हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झूला हुआ करता था उस दौर में, जो कि आज नहीं है, लेकिन उसकी यादें वाबस्त है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ झूला झूलते होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत साहिबा महल है, और इस महल के जो आप देख रहे हैं 6 बुर्ज बहुत खूबसूरती से बनाया गया है इसको। और ये जो महल है इसके अंदर ज़्यादा जो काम है लकड़ी का, बहुत खूबसूरत काम किया गया है इसमें, बहुत सारे खिड़कियां, बहुत सारे दरवाज़े और बहुत सारे शीशे भी लगे हुए हैं। तो वाकई ये बहुत ही कमाल की जगह है। मीर साहब को ताजमहल बहुत पसंद था, बहुत इंस्पायर हुए थे वो ताजमहल से। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग, ये पत्थर से बनाई गई है, और ये ताजमहल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ इनके मेन जो एंट्रेंस है साहिब पैलेस की, इसके ऊपर ये जो है ये ताजमहल बनाया गया है। इसके अलावा इस खूबसूरत बिल्डिंग में बहुत सारी एंटिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये 3 मंजिला महल है। यहाँ देखें, यहाँ ये झूला ये उसी दौर का है, और ये अभी तक यहाँ संभाला हुआ है झूला, आप देख सकते हैं। इसको चला के देखते हैं कि हिलता भी है कि नहीं। इसका अपना भी बहुत ज़्यादा वजन है। ये महल वाकई बहुत खूबसूरत है, और बहुत प्यार के साथ और मेहनत के साथ इसे बनाया गया है। इसका शायद कोई नक्शा तैयार किया गया होगा जो इतनी खूबसूरती के साथ हर चीज़ को अपनी जगह पर बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ एक अंडरग्राउंड रास्ता भी मौजूद है जहाँ से शायद मीर साहब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाया करते थे। और एक बहुत खूबसूरत तालाब भी जो कि इसकी मेन एंट्रेंस के पास है। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की गई है इस पूरे महल पर, और यहाँ पर एक खूबसूरत शावर भी लगा हुआ है, तो क्या ही नज़ारा पेश करता होगा जब ये सारा कुछ नया बना होगा और कई लोग इसे देखने को आते होंगे। ये महल ताजमहल की तरह बहुत दूर से नज़र आता है और एक कमाल का व्यू देता है। तो आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। उम्मीद है बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे भी लोग हमारे सिंध की खूबसूरती देख सकें।